कर्नाटक के इशू पर तेजस्वी का जुबान चुप है। ये तेजस्वी क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ओबीसी का हक छीना जा रहा है? अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की परिभाषा ही परिभाषित नहीं हो पा रही है। तो कांग्रेस क्या चाहती है कि मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा दे दें, ओबीसी सड़क पर उतर जाए, हंगामा हो और लालू यादव सरीके के लोग ऐसे समय में उनकी जुबान चुप हो जाएगी? कर्नाटक के इशू पर तेजस्वी का जुबान चुप है। बताए ओबीसी का हक क्यों मारा जा रहा है? मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा दे करके कांग्रेस ने जो किया है कर्नाटक में, इस पर ओबीसी क्यों नहीं, ये तेजस्वी क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ओबीसी का हक छीना जा रहा है? कांग्रेस और महागठबंधन चाहती है कि ओबीसी जो पिछड़े हैं देश के, वो अब सड़क पर उतरे अपने हक के लिए, क्योंकि कांग्रेस आज देश में, और मेरा तो मानना है कि अब कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण की प्रकाष्ठा पर है। कर्नाटक में जो किया, मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं है, मुसलमान बहुसंख्यक हो गया है। अल्पसंख्यक का दर्जा इनसे ले लेना चाहिए। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की परिभाषा ही परिभाषित नहीं हो पा रही है, इसलिए अल्पसंख्यक कहना मुसलमानों को, ये हिंदुओं के साथ बेईमानी है।